मुरली खबर का रुख करेंगे। सोनहत में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और विकासखंड सोनहत के 42 ग्राम पंचायतों के लिए 6 सेक्टर में चिन्हित ग्राम पंचायत दफ्तरों में नामांकन की प्रक्रिया पूर्ण की जा रही है। पहले दिन ही लोगों की अच्छी खासी भीड़ दफ्तरों के सामने नजर आई, तो वहीं 42 में से 10 नए ग्राम पंचायत भी सम्मिलित हैं और जिन पर नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ है। नए ग्राम पंचायतों के लिए पहली मर्तबा हो रहे चुनाव को लेकर स्वराज एक्सप्रेस ने ग्रामीणों के उत्साह को देखते हुए उनसे खास बातचीत की। आश्रित ग्राम बसवाही, जिसे अभी अभी ग्राम पंचायत का दर्जा प्राप्त हुआ है, आरक्षण के तौर पर देखा जाए तो यहाँ पर पहला जो चुनाव होने वाला है उसमें महिला सरपंच आरक्षण नियुक्त किया गया है। अपने बीच के लोगों के लिए ये मत करेंगे, क्योंकि इनका ग्राम अब आश्रित नहीं रहा, उन्हें ग्राम पंचायत का दर्जा प्राप्त हो चुका है। हमारे साथ कुछ ग्रामीण हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। उसका दर्जा प्राप्त हुआ है, इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? हम लोग का ग्राम बसवाही पहले ग्राम पंचायत के गाँव में था, जो हम लोग का बसवाही आश्रित ग्राम था। अब नया ग्राम पंचायत मिल जाने के बाद ग्रामीणों में बहुत सारा उत्साह है, ये देखने को मिल रहा है कि हमारे गांव में सारा सुविधा उपलब्ध होगा। इस चीज को लेकर के सरपंच का तैयारी हेतु भी चल रहा है, निर्विरोध करने का प्रयास है, लगातार अभी मीटिंग चल रहा है। मीटिंगों में एक दो दिन में पूरा फाइनल हो जाएगा कि सरपंच निर्विरोध होगा। हमारे साथ युवा भी हैं, युवा से बात करते हैं कि उन्हें किस तरीके से उनको अपने गाँव का विकास नजर आ रहा है। बहुत उत्साहित हूँ कि हमारे ग्राम पंचायत, पहले हम दूसरे ग्राम पंचायत में वोटिंग करने दिए जाते थे, लेकिन हम खुद अपने गांव में ही वोटिंग करेंगे और अपना मतदान का उपयोग करेंगे। पिछले सरपंच की बात करें तो कितना विकास आपके गांव तक पहुंचा है? बहुत ही कम विकास हुआ हमारे ग्राम पंचायत के गांव के अंतर्गत, जब हमारा ग्राम पंचायत बसवाही में था, जो हमारे कई रास्ते खराब भी हैं, पगडंडी पड़े हुए हैं। हमारे साथ कुछ ग्रामीण जो आश्रित ग्राम के निवासी रहे हैं, अब उन्हें ग्राम पंचायत का दर्जा मिल गया है, काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये मत करेंगे अपने ग्राम पंचायत और अपने विकास के लिए। कैमरामैन रवि तिवारी के साथ शैलेश गुप्ता।